अब यहाँ पे आ गया हमारा सीतामणि मंदिर। सीतामणि ना, सीता बनी, बनी बनी, हाँ सीता बनी, हाँ। इसकी क्या हिस्ट्री है ये मंदिर की? कहते हैं कि लव कुश का जन्म हाँ, नहीं हुआ था। अरे भाई साहब जबरदस्त। तो गाइस जो है सीता बनी गेट है, इसका गेट का नाम इस मंदिर की वजह से पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे टेम्पल है सीता बनी का, इस टेम्पल की खासियत ये है कि यहाँ पे कहा जाता है कि लव कुश का जन्म जो है यहीं हुआ था, इसलिए इसे सीता बनी टेम्पल बोलते हैं। काफी प्राचीन काल का मंदिर है, तो कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं और मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। और अभी हम भी शायद मंदिर के अंदर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। सो गाइस हम लोग उतर गए नीचे जिप्सी से, ये इसी एरिया में अलाउड है नीचे उतरना। और दीप्शिका मैम का कहना है कि मंदिर काफी अच्छा है, तो इसलिए हम मंदिर भी है, मंदिर में तीन धाराएं हाँ, पानी मतलब? आता है वहां से। अच्छा मंदिर के अंदर से पानी निकलता है, ये बता रही है कि तीन धाराएं हैं अंदर। तीन धाराएं मतलब वहाँ पे नेचुरल वाटर आता है। अभी जाएंगे अंदर, हम देखेंगे वहाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लोगों को रिस्क होता होगा ना यार, यहाँ तो कभी भी आ सकता है। कभी भी यहाँ रहते हैं लोग? हाँ लोग रहते हैं यहाँ। ये है यहाँ पे, ये है अंदर, बाइक वगैरह तो दिख रही है। चलो लोगों को आदत हो जाती है वैसे वैसे यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगी हुई है थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए। सो गाइस ये है मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल एकदम नदी के पास में है। ये है वो सीता बनी धारा जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, ये नेचुरल है एकदम, पानी अपने आप आता है यहाँ से। और ये काफी पुराना माना जाता है, जब लव कुश यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था ऐसा बोला जाता है। और यहीं पे सीता माता का मंदिर भी है, तो आप लोग यहाँ कभी आओगे तो ज़रूर आना। यहाँ पे अभी कुछ पूजा पाठ चल रही है, तो काफ़ी सारे लोकल लोग आए हुए हैं। तो यह है सीता माता का मंदिर, और एक और मंदिर है इधर दुर्गा माता का। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस ये है सीता माता का मंदिर, देखिए लव कुश दोनों माता ने अपने गोद में रखे हुए हैं। काफ़ी पुराणिक कथाओं में ऐसा बोला जाता है यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। और ये भोलेनाथ का मंदिर भी है यहाँ पे, जय भोले बाबा। तो ये हमारे पंडित जी हैं यहाँ पर, यहीं थोड़ा बताइए पंडित जी जरा मंदिर के बारे में। ये ऐसा है, आप देख रहे हैं लव कुश लिए हुए सीता जी, हाँ। यहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम ने जब सीता जी को वनवास किया था, हाँ। तो सीता जी इस वन में रही, यहाँ का नाम है सीता बनी। अच्छा, तो यही उन्होंने तपस्या करी, यही लव कुश को जन्म दिया, तब ये लव कुश लिए हुए सीता जी दिखाई दे रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतर, जय माता दी। मंदिर है, जय माता दी। जय पंडित जी आपकी, फिर टीका लगा दो, बढ़िया, जय जय। पंडित थोड़ा सा दे दो बस, कोई बात नहीं। धन्यवाद, हमारा वो है आशीर्वाद, बिल्कुल आपकी बात हम पूरी दुनिया तक फैलाएंगे, रिकॉर्ड कर ली है, सारे लोग आएंगे हमारे जितने जानने वाले हैं ना। अच्छा, जय हो प्रभु, जय माता, रक्षा करना माता। चलो, और उसी नदी में ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, मंदिर ऐसे के ऐसे ही बह के आया था, ये कहानी है यहाँ पे।